एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होगा। इसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है, इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा। विदाउट एटीपी एक्सपेंडिचर देयर इज नो एनी एक्टिव प्रोसेस। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये जो सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ये तीन जो प्रोसेस होते हैं वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होते हैं। मतलब हाई कंसंट्रेशन मीडियम से लो कंसंट्रेशन मीडियम में मूवमेंट होती है सब्सटेंस का। और एक्टिव प्रोसेस में क्या होता है कि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है सब्सटेंस का। मतलब यहाँ पे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। अब आप जैसे समझो कि अगर हम लोग स्विमिंग कर रहे हैं और पानी की जो धारा है, पानी का जो बहाव है ना, वो लेफ्ट टू राइट है और आपकी मूवमेंट जो है वो राइट टू लेफ्ट है, तो उस कंडीशन में आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा। और आप जिस तरीके से पानी जा रहा है, जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है, उसी तरीके से स्विमिंग करो तो बिना एनर्जी के आप फ्लो कर सकते हो। तो ऐसा ही प्रोसेस होता है कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर मूवमेंट होगी तो इसको हम लोग बोलेंगे अप हिल ट्रांसपोर्ट, और बाकी सारी चीजें जो है वो डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पे एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है, प्रोटीन जो कैरियर प्रोटीन होती है उसकी रिक्वायरमेंट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी होगा, ऑस्मोसिस में भी होगा और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी होगा, लेकिन सिंपल डिफ्यूजन में किसी भी प्रकार के कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ये पैसिव प्रोसेस है तो एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा ही नहीं। जब हम लोग बात करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं उनके लिए शॉर्ट डिस्टेंस तो होगा ही होगा। यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस तभी पॉसिबल है जब शॉर्ट डिस्टेंस की काम शॉर्ट डिस्टेंस हो। जैसे मान लो कि आपके जो प्लांट है, तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है लीफ में, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस लीफ में हो रहा है तो यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, फ्लोएम इसको लोडिंग करेगा, तो लोडिंग करने के बाद फिर फ्लोएम ले जाएगा, तो जहां पे ग्लूकोज बनता है उस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सोर्स बोलते हैं। और जहां पे जाकर के जमा होता है उसको हम लोग सिंक बोलते हैं। तो सोर्स टू सिंक अगर कोई भी चीज की मूवमेंट होती है तो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लेकिन सोर्स के पास क्या करेगा, पहले फूड लोड करेगा, शुगर की लोडिंग होगी और वो फिर उसको फ्लोएम टिश्यू पहुंचाएगा। यहाँ पे मान लो स्टोरेज ऑर्गन इसका है, प्लांट का स्टोरेज ऑर्गन क्या हो सकता है, रूट भी हो सकता है, शूट भी हो सकता है, फ्लावर में फ्रूट भी हो सकता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज ऑर्गन डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट। तो जहां पे भी स्टोरेज ऑर्गन होगा वहां से वहां तक की जो ट्रांसपोर्ट की सिस्टम होगी इसको हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। फिर यहाँ पे अनलोडिंग होगी, तो जिस समय अनलोडिंग होगी वहां पे भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, फूड की लोडिंग हुई तब भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और लोडिंग और अनलोडिंग के बीच में ये जो प्रोसेस हो गया ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। अब इसमें वाटर का भी ट्रांसपोर्ट होता है कि वाटर की जब एब्जॉर्प्शन हो जाती है, वाटर रूट हेयर के द्वारा एंटर करता है और जाइलम टिश्यू के पास पहुंचता है, तो जाइलम उसको कैसे कंडक्ट करेगा ऊपर, वी विल सी। एंड फ्लोएम जो होता है वो फूड का जब फॉर्मेशन होता है, जब फोटोसिंथेसिस के बाद ग्लूकोज बनता है, तो उसको फिर कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, तो इसके लिए हम लोग एक मास फ्लो हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, उसमें हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे।